हेलो दोस्तों, बॉस ऑफ इंडिया शेयर बाजार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज की वीडियो एक पर्टिकुलर शेयर से रिलेटेड है जो हमारे पास ऑलरेडी है, ओके, जिसका नाम इन्फीबीम है। और थंबनेल में आपने देख लिया होगा, इन्फीबीम और रिलायंस दोनों के बीच में कोलैबोरेशन होने वाला है, दोनों के बीच में पार्टनरशिप होने वाली है। किस चीज़ से रिलेटेड पार्टनरशिप होने वाली है, क्या ऐसा है कि वो कंपनी लाने जा रही है, तो सब कुछ फ्यूचर के प्लान है। रिपोर्ट ने कुछ नहीं, अभी रिपोर्ट के थ्रू ये न्यूज़ आई है, कंपनी ने बताया नहीं है, ऑफिशियली कोई न्यूज़ नहीं आई है, बट हाँ ऐसी न्यूज़ फ्यूचर वाल आपको सच होती हुई मोस्टली नज़र आती है। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं, बट बिफोर दैट वीडियो में आगे बढ़े तो जैसे कि अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो डाली है हिंदुस्तान फूड से रिलेटेड, इसे आप ज़रूर देख लीजिएगा, ये काफ़ी बेहतरीन वीडियो है, ओके। इसमें आपको पता चलेगा कि हिंदुस्तान फूड्स में एक्चुअली क्या होने वाला है, और अच्छा खासा ये शेयर भागने की फिराक में है, और मैं इसमें ऑलरेडी शेयर होल्डर भी हूँ, और भी ज़्यादा शेयर लेने की मैं सोच रहा हूँ। और नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दो लिंक मिलेंगे, अगर आपका डीमैट ट्रेडिंग अकाउंट है क्लिक करें, फ्री में अकाउंट ओपन हो जाएगा। और श्री राम जी का अयोध्या में मंदिर बन रहा है जैसे पता है, तो इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो इनकी वेबसाइट पर ले जाएगा, और आप अपनी श्रद्धा के अनुसार जितना भी चाहे आप डोनेट कर सकते हैं। तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। तो इन्फीबीम से रिलेटेड हम बातें करने वाले हैं, तो कुछ चीज़ों से रिलेटेड मैं पहले आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, एक टर्म है, क्या है, NUB। NUB का मतलब है न्यू अम्ब्रेला एंटिटी। तो न्यू अम्ब्रेला एंटिटी क्या होता है, तो RBI इज गोइंग टू सेट अप अ बूस्ट टू रिटेल पेमेंट इन द कंट्री। तो कंट्री में जो पेमेंट होती है ना, उसे डिजिटली करने के लिए, एक रिटेल पेमेंट करने के लिए, जैसे कि आप ऑलरेडी कर ही रहे हो, क्या करते हो, आप फोन पे यूज करते हो, आप पेटीएम यूज करते हो, डिजिटल पेमेंट यूज करते हो टू पे समवन, है ना। तो इसी से रिलेटेड ये न्यूज भी है। अगर बात करें इन्फीबीम की, तो ₹45 पे शेयर देखने को मिल रहा है। अगर बात करें ये शेयर से रिलेटेड, तो आपको पता ही है ये शेयर हमने पहले ही खरीदा था बोनस से पहले, और हमें अच्छा खासा यहाँ पर बोनस 1:1 का बोनस भी दिखाई देखने को मिला है। और ये शेयर अगर बात करें तो 113 रुपये के आसपास, 52 वीक हाई इसका अगर बात करें, ये डिवाइड के बाद दिखा रहा है, अदरवाइज 113 रुपये के आसपास ये शेयर भागता हुआ हमें दिखाई दिया था। और अगर बात करें, कंपनी की ज़्यादा हिस्ट्री भी नहीं है, 4 से 5 साल ही इस कंपनी को यहाँ पर मार्केट में आए हुए हुआ है। तो उससे बाद अच्छी खासी इसने रैली दिखाई, बट यहाँ पर बीच में एक गिरावट आप देख सकते हैं, ओके। तो इससे रिलेटेड आप हमेशा ध्यान रखिएगा, यहाँ पर शायद बोनस, एक तो बोनस अभी अब मिला था, बाकी स्प्लिट दिया था या कुछ दिया था इस कंपनी ने, यहाँ पर इस वजह से यहाँ पर गिरावट आपको दिखाई दे रही है। बाकी कंपनी की हिस्ट्री कुछ ज़्यादा नहीं है, कंपनी क्या काम करती है तो बात करें तो देखिए, कंपनी फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी में काम करती है, और जैसे कि आपको बताना जा रहा हूँ कि ये कंपनी डिजिटल पेमेंट में काम करती है, और हम भारत नाम से इसका एक पेमेंट एप्लीकेशन भी है जिसके थ्रू आप डिजिटल पेमेंट भी कर सकते हैं। और बात करें ये कंपनी पेमेंट एक्वायरिंग, ओके, एज वेल एज बात करें नेट बैंकिंग वगैरह, डिजिटली जो आपका पेमेंट करते हैं ना, उससे रिलेटेड ये कंपनी काम करती है। और अपनी जो सर्विस है वो अलग अलग बैंक्स को, अलग अलग फाइनेंशियल सर्विसेज को यहाँ पर प्रोवाइड करती हुई दिखाई देती है, और बहुत बड़ी कंपनी है, छोटी मोटी कंपनी समझ लीजिएगा। यहाँ पर देखें तो अवार्ड वगैरह भी कंपनी ने जीत रखे हैं इंडिया पेमेंट के हिसाब से, डाइवर्सिफाइड इनका पोर्टफोलियो है, क्लाइंट बेस अच्छा खासा है, और इंडिया में ही नहीं, इनके बाहर भी बहुत सारे कस्टमर है। अगर बात करें यहाँ पर देख सकते हैं, लगभग 10 लाख मर्चेंटाइज इन इंडिया एंड इंटरनेशनल मार्केट, ओके। और ये इंडिया, UAE, USA, KSA, ओमान, तो काफ़ी जगह इनका स्ट्रांग पोर्टफोलियो, क्लाइंट बेस अच्छा खासा है, तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना है इसके बारे में। अगर बात करें इन्फीबीम की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1:1 का बोनस दिया था उसके बाद यहाँ पर, और बात करें यहाँ पर शेयर, तो शेयर भी प्लेस यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है। तो न्यूज़ क्या है, न्यूज़ की तरफ चलते हैं सबसे पहले, तो आप यहाँ पर देखेंगे तो रिलायंस, गूगल, फेसबुक, तो यहाँ पर एक नाम और जोड़ लीजिएगा, इन्फीबीम एवेन्यू, जो कि मैं दिखाने वाला हूँ, विल ऑफर ग्लोबल डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म। तो देखिए इन सब के, गूगल की बात करें तो गूगल पे है, फेसबुक की बात करें तो हमारा व्हाट्सअप पे है, रिलायंस की बात करें तो जियो पे भी आता है, और बात करें इन्फीबीम की, तो इन्फीबीम हम भारत नाम से एक एप्लीकेशन ऑलरेडी चलाता है जिसकी ये सब्सिडरी है, ओके। तो हम बात करें तो ये एक डिजिटल पेमेंट लाने वाले हैं सब मिलके, ओके, और क्या केवल इंडिया में, नहीं, ग्लोबली, ओके, ग्लोबल डिजिटल पेमेंट की, आप उस पेमेंट, उस एप्लीकेशन के थ्रू इंडिया में हो, चाहे पाकिस्तान में हो, चाहे यूएसए में हो, चाहे कनाडा में हो, आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, उस पेमेंट के थ्रू आप पे कर सकते हैं, तो यह सबसे बड़ी बात हो जाएगी। और मेरे को नहीं लगता इस तरीके का पेमेंट एप्लीकेशन कुछ अभी तक कहीं भी दुनिया में बना हुआ है। तो यहां आप देख सकते हैं NUE, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, न्यू अम्ब्रेला एंटिटी हैज बीन
प्रपोज बाई रिलायंस इंडस्ट्री, ओके रिलायंस इंडस्ट्री ने इसे प्रपोज किया है विद गूगल, फेसबुक एंड इन्फीबीम एवेन्यू, ओके यहाँ पर देख लिया इन्फीबीम एवेन्यू का नाम है। तो ये तीनों के तीनों, चारों के चारों मिलके ओके एक इस तरीके का पेमेंट एप्लीकेशन बनाने जा रहे हैं। ओके अभी ये फाइनेंशियली ऑफिशियली यहाँ पर कोई न्यूज़ नहीं है, यहाँ पर देख सकते हैं देयर ऑल्सो आर रिपोर्ट अबाउट द कंपनी अप्रोचेस टू ऑफिशियल्स वो हैव फॉर्मली वर्क विद द रेगुलेटर्स एज वेल एज कंजप्शन has replied for a license last week. तो ये इन्होंने देखिए लाइसेंस के लिए भी अप्लाई कर दिया है, ओके एंड दे आर वेटिंग टू सी द नोड, ओके। तो अगर बात की जाए यहाँ पर हाँ की ही हाँ ढूंढ रहे हैं, इस एक बार इन्हें नोड मिल जाए, हामी इनको मिल जाए तो अच्छा खासा ये फिर इसके ऊपर काम करना शुरू हो जाएंगे। और बात करें ये इंडिया की बात नहीं है, ग्लोबली ये बिजनेस एक्वायर करने जा रहे हैं, जैसे कि जियो आया था, जियो ने एक साथ आया, धीरे धीरे पूरे इंडिया को कैप्चर कर लिया। इसी तरीके से ये पेमेंट एप्लीकेशन हर एक कंट्री में है, बट अगर ये ग्लोबली कुछ ऐसा आ जाएगा तो हमें पेमेंट करने में बड़ा ईजी होगा। अगर बात करें इसमें इस तरीके का जो ऐप कुछ बनाने जा रहे हैं जो भी है, तो हेयर इज़ अ रिलायंस विल बी ओनिंग, तो रिलायंस उसमें 40% की हिस्सेदारी रखेगा और बाकी जो तीन प्लेयर है जिसकी बात करें इन्फोबीम एज वेल एज गूगल और फेसबुक, इनकी 20% की यहाँ पर हिस्सेदारी रहेगी। ऑफिशियली ये न्यूज़ नहीं है, रिपोर्ट के थ्रू ये न्यूज़ है, पहले ही बता देना चाहता हूँ, तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान देना। तो ऐसी जो न्यूज़ आती है तो हमेशा ये फ़ायदे की रहती है और आगे चल के हमें काम आती है। तो इंडिया में देखिए दो शेयर हमें यहाँ पर मिलते हुए नज़र आते हैं, तो एक तो इन्फीबीम जो कि ऑलरेडी मैंने आपको बताया, और एक रिलायंस। तो आप चाहे तो रिलायंस में, तो देखिए रिलायंस तो बेहतरीन है ही, वो अपने आप में एक कंप्लीट इंडस्ट्री है, ओके निफ्टी में सबसे ज्यादा वेटेज है, इंडिया का नंबर वन शेयर कह सकते हैं उसे, जो कि मार्केट में सबसे ज्यादा वेटेज भी रखता है। बाकी और दूसरी बात की जाए उसमें आप इन्वेस्ट कभी भी करिए, वो तो फॉरएवर स्टॉक है। बाकी बात की जाए इन्फीबीम की, तो इन्फीबीम देख लीजिए अच्छा खासा स्टॉक मुझे तो नजर आ रहा है फाइनली, क्यों, क्योंकि एक तो डिजिटल पेमेंट से रिलेटेड है और जिस तरीके से दुनिया आगे 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 चलेगी और डिजिटलली हमें यहाँ पेमेंट की जरूरत पड़ेगी, कैश कोई लेके आज भी कैरी नहीं करता, थोड़े बहुत लोग कैरी करते हैं और आगे चल के बिल्कुल भी कैरी नहीं करेंगे, तो ये कंपनी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। कंपनी की बात करें तो अगर यहाँ पर इनका देखें मार्केट कैपिटल, तो स्मॉल कैप कंपनी है, 6,000 करोड़ की यहाँ पर कैपिटल है और कुछ भी ना के बराबर इनका डेट है, ओके। तो यहाँ पर सेल्स की बात कर ले क्वार्टरली सेल्स की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 228 करोड़ रुपए की सेल्स दिसंबर में ही करी है। कंपनी इज़ मेकिंग प्रॉफिट एंड बिजनेस, ओके पहले ज़्यादा थी, उसके बाद थोड़ी थोड़ी कम हुई, अब दोबारा बैक टू बिजनेस कंपनी आ रही है। ईयरली बेस पे बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ईयरली जहाँ पर 2011 में 54 करोड़ की सेल्स थी, आज की डेट में 615 करोड़ रुपए की पिछले 12 महीने में सेल हुई है। ईपीएस की बात करें नेगेटिव में ईपीएस था, पॉजिटिव ईपीएस हो गया है, नेगेटिव में प्रॉफिट था, आज पॉजिटिव में प्रॉफिट हो गया है, तो इस चीज को ध्यान रखना है। रिजर्व्स की बात करें तो यह चीज मुझे काफी अच्छी लगी इसकी, यहां पर बैलेंस शीट में रिजर्व्स काफी अच्छे हैं, 2800 करोड़ के रिजर्व्स है। बोरोइंग की बात करें 26 करोड़ की ही बोरोइंग है, ना के बराबर। इन्वेस्टमेंट की बात करें 401 करोड़ की इन्वेस्टमेंट, एज वेल एज कैश की बात करें तो 142 करोड़ रुपए की कैश है, अच्छे खासे प्रमोटर होल्डिंग है 32% की, बट 7% के शेयर यहां पर गिर भी है और 25% तक के शेयर गिर भी रहते हैं तो कंपनी को बेकार मानते हैं, बट स्टिल कंपनी ने 32 में से 7% के रख रखे है, तो इस चीज को हमें देखना होगा, नजरअंदाज हम इसमें नहीं कर सकते। बाकी कंपनी अगर अच्छा खासा बिजनेस करेगी और भी आगे चल के, जो कि मुझे लग रहा है कि करेगी, तो यहां पर ये गिरवी शेयर को छुड़ा लेगी। एफआईआई देखिए अपनी हिस्सेदारी बढ़ा रही है, डीआईएस यहां पर रखते नहीं है, बट यहां पर बात करें एचएनआईज की, तो यहां पर बात करें अच्छी खासी यहां पर एचएनआईज ने यहां पर होल्डिंग रख रखी है, 4%, 2%, 11% यहां पर इनके नाम देख सकते हैं, तो सब ने हिस्सेदारी इसमें, किसी ने 1% की, किसी ने 2% की, किसी ने कुछ परसेंट की हिस्सेदारी ले रखी है, बाकी पब्लिक के पास इनकी थोड़ी बहुत हिस्सेदारी है। तो हर चीज को आपको पैमाने को मापना है, उसके बाद आपको इन्वेस्ट करना है, बाकी फाइनेंशियल एडवाइजर की हेल्प लीजिएगा। ये सिंपली वीडियो थी, मुझे अच्छी लगी ये कंपनी, ओके कि ये न्यूज़ थी, तो ये कवर करने के लिए मैंने आपको बताया। बाइंग सेलिंग का कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ऑलरेडी हमारे पोर्टफोलियो में है, कभी नीचे का मौका मिलेगा तो डेफिनेटली हम और ऐड करेंगे इसमें, क्योंकि धीरे ये लंबी ये फ्यूचर के प्लान है, यहाँ पर भी लिख रखा है ये कोई अभी का प्लान नहीं है, मे लिस्ट फॉर द फ्यूचर, तो फ्यूचर के प्लान है ये, कोई अभी का प्लान नहीं है इसे एग्जीक्यूट होने में, क्योंकि वर्ल्ड वाइड की बात हो रही है, ग्लोबली बात हो रही है, तो टाइम लगेगा। बट हाँ, अगर एक बार इन बड़ी बड़ी कंपनी इसमें इंक्लूड है तो ऑब्वियसली बात है अच्छा खासा ये कंपनी करके भी दिखा सकते हैं और फिर अच्छा खासा रिवेन्यू मिल सकता है। तो इसके लिए कम से कम मुझे लगता है 4 से 5 साल का वेट करना पड़ेगा, तो अच्छे खासे रिटर्न हमें मिल सकते हैं। बाकी इन्फीबीम और रिलायंस दो ही शेयर हमारे इंडिया में यहाँ पर मौजूद है।
वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करिएगा, और हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडिया शेयर बाजार को सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यहाँ पर फैलाइए। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।